दोस्तों गर्मी बहुत है, एसी को चालू करते हैं। एसी चालू हो गई, अब इससे हवा भी आने लगा। हवा को अपने तरफ लाने के लिए इसकी जो स्विंग की पट्टी है, इसे हाथ से थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं। हवा अभी भी बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और नीचे करते हैं। क्या इस तरह की प्रॉब्लम एसी में आ रही है, जिसके कारण से हमें एसी की जो स्विंग स्लाइडर पट्टी है, इसे हाथ से ही ऊपर और नीचे करना पड़ रहा है। एसी की जो रिमोट है, इससे स्विंग वाली जो मोड है, बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा, पर एसी से आवाज़ आ रही है बटन दबाने पर। ये देखिए, रिमोट की बटन दबा रहे हैं, एसी में आवाज़ आ रही है, लेकिन जो स्विंग की स्लाइडर पट्टी है वो काम नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम में कैसे हम आसानी से ये जो स्विंग वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो आज की वीडियो हम बिल्कुल इसी टॉपिक पे देखते हैं। दोस्तों एसी की बॉडी को हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों इंडोर यूनिट की पूरी बॉडी निकल गई है, अब यहाँ पर देखते हैं ये जो स्लाइडर पट्टी है आखिर ये काम कैसे करता है, जिसके कारण से ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव करती है। तो ये देखिए, इंडोर यूनिट के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी और मोटर लगी है, इसे हम स्विंग मोटर भी कह सकते हैं। ये जो मोटर है डायरेक्ट इस पट्टी पे फिट है, जिसके कारण से ये रिमोट के इशारे पे काम करता है। जब ये मोटर चलता है तब यही स्विंग की जो पट्टी है पूरी ऊपर नीचे तरफ से मूव करती है। इस एसी में कोई बहुत बड़ी मेजर फॉल्ट नहीं है, इसमें चूहे ने घुसकर ये जो स्विंग मोटर वाली वायरिंग है इसकी कुछ तारों को काट दिया है, जिसके कारण से स्विंग वाली काम नहीं कर पा रहा था। इसे हम सेम टू सेम, कलर टू कलर मिलाकर इन तारों को छीलकर आपस में जॉइंट करते हैं। इसे छीलकर बिल्कुल सेम टू सेम कलर आपस में वायर को हमने जॉइंट कर लिया। अब इसमें हम टैपिंग कर लेंगे ताकि ये वायर एक दूसरे से सटे नहीं और ख़राब नहीं हो, इसलिए हमें इसमें टैपिंग करना है। तो सबसे पहले अब इसे एसी को चालू करके देखते हैं कि ये जो स्विंग वाली फंक्शन है काम कर पा रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम एसी को पहले स्टार्ट करते हैं। तो रिमोट की जो स्विंग वाली ऑप्शन है इसे हम दबाकर चेक कर लेते हैं कि स्विंग प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। काम कर रहा है और इसकी जो स्विंग वाली मोटर है वो भी स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से इसकी स्लाइडर पट्टी भी घूमने लगा। इस तरह से एसी की स्विंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंटमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मेरे वीडियो से आपकी कोई काम बनता है तो इसे आगे शेयर कर देना। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।